नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीए के खिलाफ जामिया के छात्रों ने मंडी हाउस से संसद मार्ग तक मार्च निकाला। हालांकि बताया गया है कि पुलिस ने मंडी हाउस इलाके में धारा 144 लागू कर दी है, लेकिन आंदोलनकारियों ने मार्च फिर भी निकाला। तो वहीं विरोध की स्थिति को देखते हुए दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है और बड़े पैमाने पर पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया है। प्रदर्शनकारी मंडी हाउस से संसद मार्ग पहुंचे। प्रदर्शनकारियों के हाथ में संविधान की प्रति और बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर भी है। इन प्रदर्शनकारियों में दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र भी शामिल है। बहरहाल पुलिस ये बता रही है कि मंडी हाउस इलाके में धारा 144 लागू की गई है, जबकि आंदोलनकारियों का कहना है कि पुलिस को उन्होंने इसके बारे में सूचना दी थी और मार्च निकालने की अनुमति भी मिल गई थी। और इसी बीच एनआरसी और सीए के विरोध करने वालों को 24 दिसंबर को राष्ट्रीय विरोध दिवस मनाने की अपील भी की है। सीए के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन का आयोजन हो रहा है और दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में कार्यरत सैकड़ों डॉक्टर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए सोमवार को जामिया मिल्लिया इस्लामिया पहुंचे थे और नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे छात्रों के जुलूस में शामिल भी हुए थे। जुलूस में डॉक्टरों के साथ फिजियोथेरेपिस्ट में स्नातक का कोर्स कर रहे छात्र भी शामिल हुए थे।